हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। दोस्तों, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसके एक 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 पेपर को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, कौन सा नोट्स हम सिलेक्ट करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं इकाई वन पर, पेपर वन की इकाई वन खंड आ। देखिए, इकाई वन में कुछ नहीं है, पुराना ही सिलेबस है। यहाँ पे जो प्राचीन और मध्यकालीन है इन दोनों को एक ही यूनिट बना दिया है। यानी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आयोग जो है वो जो मध्यकालीन इतिहास है उसका जो पोर्शन है वो कम करते जा रहा है। ठीक है, यानी इसका यहाँ पे अब ज़्यादा महत्व बचा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे प्राचीन पे ज़्यादा देना है। तो आपको करना वैसे पूरा ही है। अब जैसे अब नोट्स किस प्रकार से यहाँ पे बनाए जाते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि नोट्स के चक्कर में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। आप कंटेंट कोई भी पढ़ लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी बेस्ट जो कंटेंट आने वाला है वो भी आपको बता देंगे। जैसे अभी 2 से 3 मेरे दिमाग में हैं, जैसे सिविल जॉब्स के अच्छे हैं, उसके बाद में जो चेतन मीना के भी आ रहे हैं कुछ, तो वो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ठीक ठाक कंटेंट है। दर्पण के भी अभी ठीक ठाक है। अभी इसके अलावा भी और कुछ आते हैं तो वो अभी अपन देखे जाएगा, पर अभी आपको ध्यान रखना है केवल इन इंस्टीट्यूट के अभी थोड़े से सही हैं और उसके बाद में अभी निर्माण के लेना है या नहीं लेना है वो थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। अगर जैसे मान लो उसमें ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि सिस्टमेटिक मिलना चाहिए ना हमें, क्योंकि अब उसको जमाने में और फिर उसका हम फिर डिटेल नोट्स बनाएंगे, फिर उसका शॉर्ट बनाएंगे, तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप कोई भी नोट्स लो तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपको केवल सिलेबस की लाइन बाय लाइन चलना है, उसके जितने डायमेंशन निकल जाए वो निकालते चलना। अब जैसे यहाँ पहली लाइन आप देखोगे कि भारतीय इतिहास और उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, कितनी चीज़ें हैं, राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है और सांस्कृतिक है। तो इन चार पे तो आपको फोकस करना है। जैसे आप सिंधु पढ़ो तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्तकाल पढ़ो तो भी, गुप्तोत्तर काल पढ़ो तो भी, है ना, और एक राजपूत काल, तो 3 से 4 ही काल है, ज़्यादा कोई नहीं है। और उनमें आपको केवल ये तैयार करना है। अब इनको आप चाहो तो एक साथ भी तैयार कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला उठाओ, जैसे कि यहाँ पे आपने उठाया सामाजिक, ठीक है, सामाजिक उठाया। अब आपको क्या करना है, सिंधु का भी सामाजिक देख लो, उत्तर वैदिक काल का भी देख लो, ऋग्वैदिक काल का भी सामाजिक देख लो, उसके बाद में आप यहाँ पे गुप्त, गुप्तोत्तर और उसके बाद में मौर्योत्तर भी हो गया और फिर राजपूत काल हो गया। बस तो ऐसे 4-5 ऐसे काल रहेंगे प्राचीन में। अब उनका सभी का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। अब जैसे सामाजिक देखना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट फॉर्म में या फिर एक टेबल फॉर्म में बना सकते हो सभी का सामाजिक। तो उसमें क्या है, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें भी हो जाएंगी कि हो सकता है कि किसी का जो खान पान है यहाँ भी सेम था, वहाँ भी सेम था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ भी ये चावल ही खाते थे, वहाँ भी वो चावल खाते थे, तो सेम हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस अंतर यहाँ है। कैसे, अब आप ये कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ लिखा आपने सिंधु, ठीक है, जैसे इसमें अभी लिखने नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ आपने लिखा सिंधु, एक लाइन खींची, उसके बाद में आपने यहाँ लिखा वैदिक, इस प्रकार से एक लिस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, ये आप हम कर रहे हैं सामाजिक, अभी यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा, आप समझ जाओ, वो यहाँ आ जाएगा आपका आधार। तो हम किन आधार पर इनको तोलेंगे, तो देखिए सबसे पहले सामाजिक में क्या आता है कि इनकी जो परिवार की इकाई थी वो कैसी थी, पारिवारिक जो परिदृश्य था वो कैसा था, उसके बाद में इनका रहन सहन कैसा था, उसके बाद में खान पान कैसा था, उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो परिवार की जो वो थी, संयुक्त परिवार था कि एकल परिवार था, खान पान हो गया, वस्त्र आभूषण हो गए, उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट आते हैं। तो आप ऐसे आपके दिमाग में पहले बना लो ऐसे कुछ 6 से 7 पॉइंट बना लिए, बस सिंधु को भी उसी में देख डालो, वैदिक को भी उसी में देख डालो, उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक, गुप्त, गुप्तोत्तर, सब पूरा एक आपका चार्ट बन जाएगा, किसका, सामाजिक का। इसी प्रकार से आपका एक बन जाएगा राजनीतिक का, राजनीतिक में आप आधार बना लो, राजनीतिक में आपने आधार क्या बना लिए, राजनीतिक में उसका केंद्रीय प्रशासन कैसा था, उसका जो प्रांतीय प्रशासन कैसा था, अगर कहीं नहीं है तो वहाँ आप ऐसा भी लिख दो ना, जैसे सिंधु में प्रांतीय प्रशासन नहीं था, तो वहाँ आप ऐसा लिख सकते हो ना कि इसमें जो प्रांतीय प्रशासन के जो स्वरूप है वो यहाँ पे विद्यमान नहीं थे, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, उसके बाद में न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था कैसी थी, ये हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, आर्थिक के आधार बना लोगे, आर्थिक के आधार आपने बनाए तो उसमें आर्थिक में क्या बनाओगे कि भैया इसका कृषि, व्यापार, है ना, वाणिज्य हो गया, उसके बाद में आप ये देख लो यहाँ पे यातायात के साधन,
ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर आधार, तो हर हर चीज़ के आप क्या करो, 6 से 7 क्या करो, अंतर आधार बना लो, इसी के आधार पर पूरे जो सिलेबस को तोल डालो क्या है उसमें। तो आपके कितने कितने यहाँ पे पेज बनेंगे, एक तो सांस्कृतिक का बनेगा, एक सामाजिक का, एक आर्थिक का, एक राजनीतिक का। तो आपके यहाँ पे चीज़ें भी क्लियर हो गई, आपने टॉपिक भी पढ़ लिया और आपका सिनोप्सिस भी तैयार हो गया। अब देखो सिनोप्सिस बनाने का एक रूल्स रहता है, सबसे पहले आपने जो कंटेंट या जो बुक ली है उसको पहले आप कितनी बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ो, ठीक है। आप तीसरी बार में क्या करना है, तीसरी बार में करना है आपको क्या करना है, टिक करना है, क्या करना है, टिक या हाईलाइट, जिसको हाईलाइट बोलते हो आप, हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन यहाँ पे इसमें लिखना नहीं आ रहा है, समझ जाओगे आप, अंडरलाइन करना। चौथी बार में जब चौथी बार वापस से पढ़ो, तब जो टिक करे हैं, जो हाईलाइट करे हैं, जो अंडरलाइन करे हैं, बस उन बिंदुओं को उठा के और आपके सिनोप्सिस बनाए जाते हैं। सिनोप्सिस बनाने के तरीके क्या होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करो, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप ये इस प्रकार के बॉक्स का प्रयोग करो, तो इससे क्या है, थोड़ा सा आप इस प्रकार से बनाओगे, कम कंटेंट लिखोगे, केवल आप कीवर्ड लिखोगे, तो इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि आपको चीज़ें को रिकॉल करने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये होता है, तो चार बार में कोई भी चीज़ें होती है, या आप समझ गए हैं, दो बार पढ़ना है, तीसरे बार में लिंक वो क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ये चीज़ें हैं जो IMP लगता है वो, ठीक। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने की है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ हम अभी सिलेबस देख रहे हैं। अब देखिए इकाई 2 ये पूरी नई जुड़ी है, इसके लिए अभी मार्केट में कोई बुक नहीं आई है, केवल एक ही आई है, निर्माण IAS। तो उसमें क्या करना है, देखिए निर्माण IAS में जो कंटेंट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, और उसमें आपको बहुत छाटने में बहुत समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है, जैसे ये वंश वाली तो थोड़ी छोटी है, तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल ये ले सकते हो। तो इसमें क्या है, जैसे ओलीकर वंश दिया भैया, इसमें आपको क्या तैयार करना है, आप इन सारे वंश को एक ही आधार पर तोलोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वंश में क्या रहेगा, वंश में एक तो इनका क्षेत्र रहेगा, ठीक है, और कोई संस्थापक रहेगा, संस्थापक, और उसके बाद में देखिए संस्थापक रहेगा, संस्थापक के बाद में कोई प्रमुख शासक रहेगा, क्या रहेगा, प्रमुख शासक। तो क्षेत्र संस्थापक कौन है, प्रमुख शासक कौन है। प्रमुख शासक में केवल हर एक वंश से आप केवल 2 या 3 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इसमें कोई प्रमुख रहेगा, जिसने कोई युद्ध लड़ा हो, जिसने कोई विद्वानों को संरक्षण दिया हो, या जिसने कुछ विशेष कार्य करवाया हो, या स्थापत्य में उसका कुछ नाम हो। तो इस ऐसे 2 या 3 व्यक्ति रहेंगे। अब जो कोई भी व्यक्ति आए उसकी उपलब्धियों को ही हमें ध्यान में रखना है कि भाई इसने क्या उपलब्धि प्राप्त करी है, क्योंकि प्रश्न उससे ही बनता है। तो कोई भी शासक आए तो भैया ये साम्राज्य विस्तारक था या नहीं, ये आप पहला पॉइंट बना दोगे। दूसरा, हर कोई भी शासक आए, पूरा हिस्ट्री में कोई भी शासक आए, यही प्राचीन मध्यकालीन तक चलता है, आधुनिक का हिस्ट्री थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो साम्राज्य विस्तारक है या नहीं, कुशल नेतृत्व करता है या नहीं, इसका जो प्रशासन कैसा था, ठीक है, और स्थापत्य में कैसा योगदान है, स्थापत्य में विद्वानों को संरक्षण दिया है कि नहीं, और उसके बाद में स्थापत्य हो गया है, और कुछ प्रमुख कार्य या अन्य कार्य इस प्रकार से लिख सकते हो, और उसके बाद में ये भी हो गया, और सांस्कृतिक चीज़ों में इसका क्या योगदान है, इस प्रकार से भी आप बांट सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी शासक की उपलब्धियों को और भी आप अच्छे पॉइंट बना सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे जल्दी से बता दिया है। तो ये इस प्रकार से इसमें से कुछ कुछ जो मुख्य मुख्य शासक रहेंगे बस ऐसे बना लेना है। तो आपका ये जो इकाई 2 है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने पेज में आ जानी चाहिए, यानी कि जो ये यहाँ पे जो 2 वंश है वो 1 पेज में आ जाना चाहिए लगभग। तो लगभग आपके कितने 15 से 20 पेज में आपके वंश कंप्लीट हो जाएंगे। पर इस ये कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या बताया, 4 बार, यानी 2 बार तो पढ़ो, तीसरे बार में फिर पहली बार जब पढ़ो तो ना कोई हाईलाइटर रखना, ना पेन रखना, सीधे पढ़ते 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 निकल जाना है। उसके बाद में दूसरी बार में थोड़ा सा और सोच समझ के पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि दिमाग में हमारा एक बेस तैयार हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो सब पुराना ही है, ब्रिटिश शासन वाला, तो आपके पास में जो भी नोट्स वगैरह हैं उससे आप कर सकते हो, ये भी सब पुराना है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। अब आ जाते हैं इकाई नंबर 5। देखिए इकाई नंबर 5 में क्या है, रियासत सब पढ़ ही रहे हैं अभी 2.5-3 साल से, 5 साल से लगभग रियासत पढ़े जा रहे हैं सब। अब यहाँ देखो आप, ये वाला पोर्शन है जनजाति नायकों का संघर्ष और इतिहास में योगदान, इसमें कुछ भी नहीं है, जो आपने प्री में पढ़ा है, जो प्री में पढ़ा, इसके लिए आपको किसी का नोट्स वोट्स लेने की भी वैसे आवश्यकता नहीं है, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा उसी से आपका काम हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा इसको कंटेंट को थोड़ा सा जमाना पड़ेगा। अगर मान लो कि इनके बारे में अगर और कुछ आपको जानकारी नहीं मिल रही तो गूगल कर लो,
गूगल कर लो, या फिर किसी ने कंटेंट निकाला हो शॉर्ट तो वो आप देख सकते हो, बाकी तो इनका ज़्यादा वो नहीं है। जैसे योगदान है, तो योगदान में सबसे पहले तो आप है ना, सभी कोई भी चीज़ आए उसका सबसे पहले बेसिक तैयार करो, यानी कि बेसिक का मतलब ये होता है कि वो चीज़ क्या है, क्यों है, है ना, क्या है क्यों है। तो बस आप याद रखना, सबसे पहले सिलेबस में कोई भी लाइन हो, सबसे पहले समझो ये क्या है, मतलब ये क्यों आया है, तो उसका आपका एक छोटी सी डेफिनेशन बन जाएगी, जिसमें जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर राजा शंकर साहा, तो ये गढ़ा मंडला के क्या थे, महत्वपूर्ण या प्रमुख शासक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश से योगदान दिया है, ये हो गया इनका। अब इनका संघर्ष कैसे कैसे हुआ और इनका इतिहास में योगदान, केवल इन दो वर्ड पे आप फोकस करोगे, संघर्ष और योगदान, मतलब ये हमसे क्या जानना चाह रहे हैं कि इनका क्या संघर्ष है, इनका क्या योगदान है। तो योगदान क्या होता है, योगदान तो ये होता है जैसे इन्होंने कोई बहुत सारे जो सैनिकों को इकट्ठा कर दिया हो, या फिर मतलब जो राष्ट्र निर्माण की जो भावना है वो उसको उत्प्रोत कर दिया हो, या फिर किसी के अंदर जो संघर्ष की जो ज्वाला है वो प्रज्वलित कर दी हो, तो इस प्रकार के अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। अब इनका जो संघर्ष हुआ तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, पहले तो जैसे मान लो आप यहाँ पे जैसे रानी दुर्गावती, आपने लिखा रानी दुर्गावती, ये हुआ। अब इनका सबसे पहले बेसिक लिखो कि ये कहाँ की राजकुमारी थी, किन के साथ इनका विवाह हुआ था, ये इनके बारे में थोड़ी ऐसी बेसिक जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में आप देखो इनका किन किन के साथ में युद्ध हुआ, तो पहले युद्ध लिख दो, है ना, तो बाज बहादुर के साथ में हुआ, अकबर के साथ में हुआ, और अफगान सरदारों के साथ में हुआ, तो इसे तीन प्रकार के युद्ध हुए। उसके बाद में इन्होंने निर्माण क्या क्या करवाया, यानी कि इनका जो स्थापत्य में क्या क्या योगदान है, क्या निर्माण करवाया इन्होंने, जैसे कि मान लो कि राजधानी परिवर्तन कराइए कराइए, इसको मतलब इनका सैन्य कुशलता में आ जाता है कि इनकी ये सैन्य कुशलता थी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बना के करना है, ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे पॉइंट भी बना सकते हो। इसी प्रकार से आप टांट्या भील का भी कर सकते हो कि इनकी सैन्य कुशलता क्या है, बेसिक क्या है, इस प्रकार से कर सकते हो आप, है ना। तो ये हमने पार्ट वन समझ लिया है, अब पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में थोड़ा सा आप मैप बना बना के चीज़ों को करोगे, है ना, जब आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ तो थोड़ा मैप बना बना के आपको चीज़ों को करना है। तो ये सब पुराना ही है। यहाँ पे देखिए जलवायु, जलवायु दो बार दे दिया है, यानी कि जलवायु पे इनका थोड़ा क्या जो फोकस है वो ज़्यादा है, तो इसके अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और अगर जैसे मान लो किसी को जलवायु समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी यूट्यूब से एक वीडियो देख सकता है। बाकी तो यहाँ फिर ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ियाँ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, झीलें हैं ना, इनके तो सब आप ऐसा लिस्ट बना बना के सब कर लेना, ये जो झीलें हैं इनके लिस्ट बना लेना, प्रमुख प्रमुख और अन्य झीलों, जो प्रमुख झीलें हैं ना वही पूछी जाएगी एग्जाम में, मेंस में। और उसके बाद में यहाँ पे ये तो आपको थोड़ा सा मैप बना के समझना पड़ेगा, प्रायद्वीपी पठार, हिमालय पर्वत और वो जो चोटियाँ हैं उनके क्रम वगैरह पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं, ये भी लगभग देखा जाए तो पुराना ही सिलेबस है। क्या कृषि फसल हम नहीं पढ़ते थे पहले, पढ़ते थे, तो वही सब चीज़ें हैं, आपका पुराने कंटेंट से ही काम हो जाएगा। बाकी अगर किसी इंस्टीट्यूट के आते हैं, जैसे अभी मेरे दिमाग में दो से तीन इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एक तो हो गया चेतन मीना, एक हो गया है सिविल जॉब्स, और एक हो गया है दर्पण सिविल सर्विसेज। तो अभी इन तीनों के मुझे नोट्स जो हैं वो भी ठीक लग रहे हैं, बाकी और भी कुछ अच्छे नोट्स आते हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा। ये तो आपका पूरा प्रीलिम्स की ही यहाँ पे उन्होंने यूनिट रख दी है, ठीक है। तो ये सब पुरानी ही चीज़ें हैं, ये इसके लिए कोई भी कंटेंट आ जाए वो आप लेके और उनको याद कर सकते हो तुरंत वहीं पर। और देखो हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। अब जैसे यहाँ पे इकाई तीन में क्या है, वन संसाधन है, इनके प्रकार और वितरण है, उसके बाद में यहाँ पे प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन है। एक एक टॉपिक आप पढ़ते चलो, जो सिलेबस में बोला है केवल वही चीज़ करना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना। जैसे ऊर्जा संकट और यहाँ पे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अब देखो यहाँ पे गैर परंपरागत है तो पारंपरिक स्रोत भी कर लो, थोड़ा सा इतना तो कर ही लेना चाहिए। और केवल ऊर्जा संकट है ना, और बाकी इससे संबंधित कुछ योजना वगैरह है, कुछ करंट की चीज़ें, बस हो गया कंप्लीट ये टॉपिक। उसके बाद में यहाँ पे कुछ उद्योग वगैरह हैं, और ये खाद्य प्रसंस्करण यही पुराना वाला टॉपिक है। ये जो आपदाएं हैं तो आपदाएं वाला वही पुराना है। यहाँ पे जो दिया है, आप सबसे पहले भूकंप का तैयार करो, फिर सुनामी का तैयार करो, फिर उसके बाद में सूखा, फिर बाढ़, इनमें इनके भी सब आप ये एक ही आधार पे इनको कर सकते हो कि जैसे ये कहाँ कहाँ आती है, इनका प्रभाव क्या है, अभी वर्तमान में कहाँ आई है, कारण क्या है, इनको समाप्त कैसे किया जा सकता है, समाप्त तो नहीं यानी कि जैसे इनको कैसे कम किया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए कोई सा एक्ट बनाया है क्या, है ना, या फिर कोई सा मतलब जैसे मान लो सुनामी नियंत्रण चक्र कहीं लगाया है क्या, यंत्र कहीं लगाया है क्या, तो क्या प्रयास इसके लिए किए जा सकते हैं, और आपके कुछ सुझाव। तो इस प्रकार से ऐसे आधार बना के इनको करना रहता है, कारण प्रभाव और निष्कर्ष,
उसके बाद में हर चीज़ में आप सबसे पहले देखोगे क्या है। जैसे यहाँ भूकंप का सबसे पहले 2 मार्क का तैयार करना है कि भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, सूखा क्या है, बाढ़ क्या है, फिर कारण, फिर प्रभाव, फिर निदान। इसी प्रकार से ये तो सब पुराना ही है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है सिलेबस में, पेपर 1 में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। ये पूरा MP का पोर्शन है, तो आपने MP जहाँ से भी पढ़ा है तो वहाँ से भी वैसे चीज़ें की जा सकती है। मतलब आपका जो प्रीलिम से है वहीं से यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल चोटी और बघेलखंड पठार और नर्मदा सोनघाटी सतपुड़ा श्रेणी। आप केवल एक पेज में इन सब ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन इसको केवल एक पेज पर बन सकती है। एक पेज पर कैसे, आप जैसे मान लो अभी यहाँ ये MP का इस प्रकार से देखो, मैं बना के बताता हूँ। ये MP का जो मैप है अभी यहाँ पर ठीक से बन नहीं रहा है, ये MP का इस प्रकार से आपने मैप बनाया। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे है ये मध्य भारत का पठार, यहाँ से एक तीर इस प्रकार से निकालो, इसमें इसका जो सबसे पहले तो देखो कि ये कहाँ कहाँ, मतलब इसका जो विस्तार है किधर किधर है, उसके बाद में वर्षा कैसी है, उसके बाद में फसल, खनिज, मिट्टी और प्रमुख दर्शनीय स्थल, इस प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे लिख लो। ये हो गया आपका यहाँ पे मध्य भारत का। अब उसके बाद में ये आपका है मालवा, मालवा में आप इस प्रकार से निकालो, इसमें भी भैया विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार हो गया, फिर खनिज कौन से पाए जाते हैं, मिट्टी कौन सी, फसल किस प्रकार की होती है, जलवायु कैसी है, तो इस प्रकार के जितने भी दस इनके पॉइंट यहाँ पे लिख लो। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे ये नर्मदा सोनघाटी हो गया, सतपुड़ा क्षेत्र हो गया, तो नर्मदा सोनघाटी का यहाँ बना लो, सतपुड़ा का यहाँ बना लो, उसके बाद में रीवा पन्ना का जो पठार है उसका यहाँ बना लो। तो इस प्रकार से ये पठार का पूरा एक पेज में आपका तैयार हो गया, एक लाइन ख़त्म। सेकंड पे आओ, है ना, सबसे पहले तो आपको इनको अच्छे से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद में नदियाँ में और उनकी सहायक नदियाँ, देखो मेन फोकस करेगा नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, पर इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब आपको नदियाँ पूरी ही पढ़ना है। तो जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ी सेम वही पढ़ लो, और जो जलवायु है, जलवायु में थोड़ा सा पूछा जा सकता है, जलवायु पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसका बना लो, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो इसको थोड़ा सा बना सकती हो, थोड़ा सा मैप। हाँ, और जो जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, या आप कोशिश ये करें कि सब में आप मैप दर्शा सको। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की मिट्टी में भी आप क्या करो, इस प्रकार का MP का जैसे अभी मैंने आपको मैप बताया था, इस प्रकार का आपने क्या करा, मैप बनाया, है ना, देखो अभी यहाँ बन नहीं रहा है, तो आपने मैप बनाया, मिट्टी कहाँ कहाँ कौन सी किधर किधर है, उसमें आप यहाँ पे देख लो कि भैया इसमें जैसे ये कहाँ फैली है, इसमें किस प्रकार की फसल होती है, और इसमें कौन किस तत्व की कमी होती है, किस तत्व की अधिकता होती है, और इसमें अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है, तो इस प्रकार से बना दिया आपने। काली पीली इधर काली मिट्टी का, अब यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है इसका बना दिया, यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है इसका बना लिया, ठीक है, यहाँ पे जो छिछरी काली पाई जाती है उसका बना लिया, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ये वाली मिट्टी, हाँ मिश्रित मिट्टी ही पाई जाती है लगभग यहाँ पे, और जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, चंबल क्षेत्र है इसलिए, तो यहाँ ऐसा बना लिया एक पेज में, ये भी आपका ख़त्म। ये ऐसे बनते हैं आपके सिनोप्सिस। तो आप पढ़ो पहले, अच्छा 4 बार का मैंने आपको बताया है, 2 बार पढ़ो और 3री बार में अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, और 4थी बार में आपका सिनोप्सिस तैयार करो, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट ही पढ़ पढ़ के डायरेक्ट ही सिनोप्सिस नहीं बना लेना, ये प्रक्रिया वो कर सकता है जिसने पहले पढ़ के रखा है। जो आप अभी अगर आप नए हो तो आप पहली बार में ना बनाओ, क्योंकि फिर आप पहली बार बनाओगे आप संतुष्ट नहीं होगे, फिर आप उसको फाड़ के फेंकोगे, फिर दूसरा बनाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले अच्छा सा समझ ही लो, पढ़ ही लो, है ना, और मिट्टी में कुछ कम लगे तो इधर उधर से भी देख लो थोड़ा सा, पर एक नोट्स लो तो उसी पे टिके रहो, फिर उसमें कम हो ज़्यादा हो वो सब देखा जाएगा। तो इसीलिए क्या है, एक ही नोट्स लो, उस पे टिके रहो, उसमें कुछ कम लगे तो थोड़ा सा गूगल से वहाँ से लिख लो, है ना। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ये सब प्रीलिम्स से ही हो जाएगा, उसके बाद में प्रीलिम्स के जो आप बुक से पढ़ रहे हो वहीं से हो जाता है ये, और ये सब चीज़ें नॉर्मल है, है ना। तो ये आपको मैंने पेपर 1 का ही समझाया है, अब पेपर 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या करा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिनोप्सिस और नोट्स पढ़ने का तरीका भी बताया है, बस अभी मैं थोड़ा सा नोट्स नहीं बता पाया हूँ कि कौन से नोट्स से पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। पर मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो आपका जो दिमाग का कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, और आपको चीज़ें आसान लग गई होगी, कोई कठिन नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।